निर्वाचन विभाग ने 23 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख डिक्लेयर कर दी है। हम इसके लिए जनता से जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर किस पार्टी को वोट देंगे और कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी और कौन सी की नहीं बनेगी, हम जनता से जानते हैं। आप बताइए किस मुद्दों को लेकर चुनाव में वोट दोगे? हम उसी पार्टी को वोट देंगे जो किसानों के हित की बात करेगा, किसानों की एमएस की गारंटी लेगा, किसानों का कर्जा माफ़ करेगा और वादा ही नहीं करेगा बल्कि उनको वादा निभाना पड़ेगा, वही सरकार राज करेगा इस राजस्थान के अंदर। राजस्थान में किस पार्टी के? पार्टी तो बता दी ना मैं, उसी पार्टी, हम किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं, हम किसान के साथ हैं। जो किसानों की मांग पूरी करेगा उसी पार्टी को वोट देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। किसान हित की जो बात करेगा उसको ये वोट देंगे। जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं उनको कभी मौका नहीं दिया जाएगा। जो जनता की आवाज़ सुनेगा, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, सिर्फ उसी को वोट दिया जाएगा और आदमी देख के वोट दिया जाएगा। आप बताइए। सबसे बड़ा वर्ग किसान है। राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर स्टेट है। यहाँ के लोगों का पेशा जो है वो खेती और पशुपालन है, तो निश्चित तौर पे किसान सबसे बड़ा मतदाता वर्ग है। और संयुक्त किसान मोर्चा ने कल किसान मांग पत्र तैयार किया जयपुर में, इसमें 33 मांगे हैं। उसमें जैसे एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने की बात है, किसानों की संपूर्ण कर्जा माफ़ी की बात है, और सीकर ज़िले के लिहाज से अगर देखा जाए तो यमुना समझौता जो 1994 में हुआ था, आज तक उस समझौते पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अफसोस की बात यह है कि जो जल संसाधन मंत्री है, जल शक्ति मंत्री जिसको कहते हैं, वो गजेंद्र सिंह शेखावत है, जो सीकर में जन्मे हुए हैं और राजस्थान से सांसद हैं, वो इसमें सबसे ज़्यादा हड़ंगा लगा रहे हैं। तो इस बार का जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा शेखावाटी का या सीकर संभाग का, वो यमुना जल का मुद्दा होगा। और साबरमती शारदा यमुना लिंक नहर परियोजना जो मोदी जी बना रहे हैं, उसको सीकर को छोड़ के वो राजस्थान के दूसरे इलाकों से अपने गुजरात में पानी ले जा रहे हैं, उत्तर का पानी गुजरात में ले जा रहे हैं, मध्य प्रदेश का नर्मदा का पानी गुजरात में ले जा रहे हैं और राजस्थान को सूखा रख रहे हैं। तो इस बार का जो बड़ा मुद्दा होना है सीकर संभाग का, वो पानी का मुद्दा बड़ा होना है, खेती का पानी और पेयजल के पानी के मुद्दे को लेकर किसानों की जो मांगे हैं। और जो संयुक्त किसान मोर्चा का किसान मांग पत्र है उसको जो अपने मैनिफेस्टो में लेगा और जिस पे वादा निभाने का, यह है कि इसने वादा किया निभाया, उसको देख के वोट दिया जाएगा और उसी की सरकार बनाई जाएगी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है। कांग्रेस की सरकार ने 36 कौम को साथ लेकर जो विकास के काम करवाए, जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, चिरंजीव जैसी योजना दी जिसमें 25 लाख रुपए तक का गरीब का इलाज फ्री है, 10 दुर्घटना बीमा है 10 लाख का। सरकार ने ऐसी ऐसी योजनाएं दी हैं, विकास के काम करवाए हैं। अपने सीकर के अंदर दो दिन पहले ही मिनी सचिवालय की नींव रखी है, इससे पहले न्यायिक भवन बन रहा है, वकीलों के हित में प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया है, ऐसी अनेक योजनाएं लागू की हैं। गरीब का ध्यान रखते हुए, काश्तकार का ध्यान रखते हुए, किसानों का, सोसाइटी का लोन माफ़ किया है। तो ऐसी कांग्रेस की सरकार बनना तय है। 150 से ऊपर सीटें कांग्रेस के आने जा रही हैं। कांग्रेस के प्रति लोगों में काफ़ी जोश है और भाजपा की नीतियों से जो किसानों के काले कानून बनाए थे, किसानों में काफ़ी आक्रोश है बीजेपी के प्रति, तो कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है। इनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। आप जिस तरह से कोरोना काल के बाद कांग्रेस सरकार ने काम किया और वो इस तरीके से काम किया, हर वर्ग को का ध्यान रखते हुए काम किया है, इसलिए योजनाओं को और उनकी क्रियान्विति को देखते हुए कांग्रेस सरकार पूरी तरह से रिपीट होने के उसमें। मैं सीकर व्यापार महासंघ का जिला अध्यक्ष रुकजी चौधरी, मैं कोई पार्टी से नहीं, व्यापारियों के हित के लिए, जो व्यापारियों की जो समस्या है उन समस्याओं को ध्यान रखते हुए, और जो अच्छा काम करेगी पार्टी उसके साथ है। वैसे हम किसान हैं, किसानों के मसीहा हैं और किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के हित की बात करेगा तो उसको वोट देंगे। मैं अरुण बुकर, सीकर व्यापार महासंघ का संभाग अध्यक्ष। जैसे कि आपको पता है सीकर अभी संभाग बना है, जैसे जैसे शहर बढ़ रहा है वैसे वैसे समस्या भी बढ़ती जा रही है, और इन बढ़ती समस्याओं को देखते हुए जो भी हमारा व्यापार
जगत है हमारा सीकर में, जो भी व्यापारी है इनके हितों में जो काम करेगा, जो व्यापार को आगे बढ़ाएगा, जैसा कि रुकजी चौधरी ने बताया, जो भी शहर की समस्या है बस उन्हीं समस्या को ध्यान में रखते हुए जो भी इन पे काम करेगा उसको हम उसके साथ है, चाहे कोई पार्टी, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, बस जो भी काम करेगा हम उनके साथ है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र का नेतृत्व चल रहा है वो बहुत मजबूत और आधार स्तंभ ढांचे से तैयार होकर के और 70 साल के कुशासन को, जो कांग्रेस का कुशासन रहे, उसको समेटने जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार को अब की बार बुरी तरह से उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। आज जीरो टॉलरेंस की बात करें तो जीरो टॉलरेंस पर अगर कोई बात कर रहा है तो केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी एक नीति के साथ में काम कर रही है। भले किसान नीति का पैसा हो, चाहे आम नागरिक की बात हो, चाहे भले किसी गरीब समुदाय की बात हो, आज आवास योजना देखें, केंद्र सरकार की योजना, जनता का पैसा सीधा जनता के खाते में डायरेक्ट पैसा आता है, कहीं किसी बिचौलिया का, दलाल का कहीं पैसा कटौती नहीं होता है। भले आप जल से संबंधित देख लिए, पहले कहीं पानी, कहीं आना जाना पानी के लिए इतनी समस्या चल रही थी, आज दिल्ली से, यूपी से यमुना का पानी आकर के राजस्थान के समग्र जिलों में फैलने जा रहा है। तो ये जल की भी जो समस्या है, इसकी नीति का निर्धारण अपने गजेंद्र जी हैं, इनके सानिध्य में सारा काम चल रहा है। इसके साथ ही अपन देखें तो आज जो अपराध है सबसे ज़्यादा बैंकर और करप्शन जो है कांग्रेस की सरकार के सामने सरे आम अपराध हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। इस प्रकार की नीति को, इस प्रकार के विचारों पर और इस प्रकार के कर्मों पर चलने वाली सरकार को हम पूरी तरह से, आम जनता और हर सरकार जो स्टेट का चुनाव होने वाले हैं, केंद्र का चुनाव में बहुमत बन के आएगी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कांग्रेस को फसाड़ करके और अपना वर्चस्व कायम करेगी। मेरा नाम अंगद तिवाड़ी है, मैं अभिभाषक संघ सीकर का महासचिव हूँ। वर्तमान समय में जो सत्ताधारी है उनके राज में जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो गई है। भ्रष्टाचार और अपराध चरम सीमा पे है। भ्रष्टाचार में देखा जाए तो एक स्टूडेंट पूरे जीवन भर अपनी पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद जब एग्ज़ाम की तैयारी करके एग्ज़ाम देने के लिए जाता है और उसे पता चलता है कि साहब पेपर पहले से ही लीक हो गया, भ्रष्टाचारियों ने जो लाखों रुपए की गाड़ी कमाई करके, लाखों रुपए कमा के और अपने चहेतों को पेपर दे दिए, तो बड़ा पीड़ित सा फील करता है। इसी प्रकार अपराध में देखा जाए तो पिछले दिनों राजस्थान में कई जगह पे मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसे बड़े अपराध हुए और अपराधी आराम से घूम रहे हैं। तो इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि राजस्थान को कांग्रेस मुक्त करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जिसका नेतृत्व सबसे ईमानदार नेतृत्व है, जिसने विश्व में आज भारत का नाम किया है, तो कांग्रेस को हटा के और भाजपा को लाएंगे, यही जनता का मूड है। राजस्थान सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसके अलावा राजस्थान सरकार ने जो भर्तियां निकाली हैं, बेरोजगारों को बहुत ही अच्छा अवसर मिला है रोजगार का, संविदा कर्मियों को अभी अभी नियमित किया गया है, उनको भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, हमारे जो संविदा कर्मी थे उन लोगों का सुरक्षित भविष्य होगा। और राजस्थान में कांग्रेस सरकार बहुत अच्छे बहुमत के साथ रिपीट होगी। गहलोत साहब का जो शासन है उसमें निसंदेह ही आमजन को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है और किसान वर्ग के लिए भी बहुत सारी बिजली माफ़ी जो है, बिजली के बिल माफ़ हुए हैं, 100 यूनिट प्रति महीने का प्रत्येक आमजन का जो माफ़ हो रहा है उसका निश्चित ही लोगों को बहुत फ़ायदा मिला है। और गहलोत सरकार ने जो आमजन के लिए काम किए हैं वो ना भूतो ना भविष्य है और हम कांग्रेस को भारी बहुमत के साथ यहाँ से विजयी बनाएंगे। सीकर को संभाग बनाया उसके लिए भी कांग्रेस सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सीकर के मतदाता, जिन्होंने बताया, कईयों ने बताया कि किसान हित में जो बात करेगा उसको वोट देंगे, कईयों ने जो गहलोत की जन कल्याणकारी योजना है उनको लेकर बताया, कईयों ने भाजपा की जो नीतियाँ है उनको बताया, इसको लेकर सुशील जोशी राजस्थान तक